नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका फ्यूचर 360 के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का वीडियो सिमेट्रिक कंस्टेंट के ऊपर है। इसके लिए मैं क्या कर लेता हूं, यहां पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूं, वापस यहां पे भी एक रेक्टेंगल, ये साइड भी एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूं। अभी सिमेट्रिक कंस्टेंट कैसा यूज करना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे एक कंसिडर कर रही सेंटर लाइन है आपका, तो यहाँ पे एक सेंटर लाइन ड्रॉ किया मैंने। अभी सिमेट्रिक कंस्टेंट सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर ये लाइन ये रेक्टेंगल का और इसका सेंटर लाइन सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो क्या होगा, ये सेंटर लाइन के अगेंस्ट आपका ये जो रेक्टेंगल था ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। वापस से वही एक बार मैंने इस रेक्टेंगल के दो लाइन सिलेक्ट किए और ये लाइन सिलेक्ट किया, तो अभी ये क्या हो गया, ये कंस्टेंट, ये सिमेट्रिक कंस्टेंट अप्लाई हो गया। लेकिन अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो क्या होगा, ये लाइन के अगेंस्ट ये दोनों भी साइड क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकली क्या हो जाएगा, वो एक्सपांड हो रहा है। इसको भी आप दे सकते हैं, ऐसा ये सिमेट्रिक कंस्टेंट था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।